इसलिए हम लोगों को कर्म भी करना है और भगवान का भजन भी। दो प्रकार के, तीन प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं। एक होते जो केवल कर्म पर भरोसा करते, दूसरे जो केवल प्रभु की कृपा पर भरोसा करते, और तीसरा प्रकार जो कर्म और प्रभु दोनों पर भरोसा करते। तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक केवल कर्म पर भरोसा करते, दो कर्म और कृपा दोनों पर भरोसा करते, तीन केवल प्रभु की कृपा पर भरोसा करते। हमसे अगर कोई पूछे कि उत्तम व्यक्ति कौन है, कर्म पर भरोसा करने वाला या प्रभु पर भरोसा करने वाला, हमारी नजर में तो ना कर्म पर भरोसा करने वाला उत्तम है, ना केवल प्रभु पर भरोसा करने वाला उत्तम है, कर्म और प्रभु की कृपा दोनों पर भरोसा करने वाला ही उत्तम है। क्योंकि हम नहीं कह रहे, रामायण ही कह रही, रामचरितमानस में वर्णन आया, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान जो जस करई सो तस फल चाखा। भैया जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही बन जाएगा। तो कर्म करते रहो, नाम जपते रहो, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। कर्म करते रहो, नाम जपते रहो, चार दिन जिंदगी के क्या होगा भैया, चार दिन की जिंदगी है गुजर जाएगी। दो करो, क्या कर्म भी करो और भगवान पर भरोसा भी करो। किस पर भरोसा, बोलिए जरा जमकर, जोर से बोलिए, भगवान पर भरोसा भी करो, कर्म भी करो। हनुमान जी का चरित्र हमें यही सुनाता। हमने सुंदर कांड की चौपाइयां ली, हनुमान ने सुंदर कांड को कथा के लिए लिया है, तो सुंदर कांड यही सिखाता। हनुमान जी कर्म भी करते, हनुमान जी कर्म क्या करते, लंका जाते, लंका जाते समय हनुमान जी महाराज दो काम करते, लंका भी जाते हैं और प्रभु का ध्यान भी करते हैं। यही हमें हनुमान जी से सीखना है कि हमें अपना कर्म भी करना है और प्रभु का ध्यान भी करना है। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो चौपाई आती है, प्रिभस नगरी की जय, सब प्रिभस नगर की जय, सब राजा प्रिभस नगर की जय, सब राजा नगर की जय, सब राजा प्रिभस नगर की जय, सब राजा प्रिभस नगर की जय, सब राजा हितय राखे को सलपुर राजा, 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 हृदय राग कौशलपुर राजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, हृदय राग की कौशलपुर राजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, लेकिन कैसे प्रवेश करते, प्रभस नगर की जे सब काजा, और हृदय राखी, क्या अद्भुत सूत्र है। आहा, हनुमान जी राम जी को याद करके लंका में प्रवेश करते। बोलो सीताराम। हनुमान जी तो लंका में भी राम जी का ध्यान करके प्रवेश करते, हम लोग तो घर में भी एंट्री नहीं करते। कितने विचित्र लोग हैं। हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए, कहीं भी रहें भजन नहीं छोड़ना चाहिए। फिजी बालो, तुम इस देश में भले ही रहो या किसी भी देश में चले जाओ,
पर हनुमान जी का ध्यान कभी नहीं भूलना चाहिए। यही हनुमान जी की भक्ति है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।